मैनेजर पर पिछले एक वर्ष से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने ट्विटर पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई थी। युवती ने आज शनिवार देर रात आरोपी बैंक मैनेजर एवं उसके सहयोगी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने तहरीर में बताया कि वह धौलपुर में HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष जैन पिछले एक वर्ष से मुझे बिना वजह के तंग परेशान कर मेरा शोषण कर रहा है। बैंक मैनेजर आशीष जैन नॉन CCTV कैमरा एरिया में बुलाकर कई बार उसने बदनीयत पूर्वक मेरे नाजुक अंगों को टच किया है, जिसका मैंने विरोध किया तो वह अपने अधिकार एवं पद की धमकी देकर नौकरी से निकालने के लिए बोलता है और बैंकिंग करियर बर्बाद करने की धमकी देता है। कार्यस्थल पर कार्य करते समय बैंक मैनेजर मुझे अपनी पर्सनल केबिन में अकेला बुलाकर मेरे साथ अश्लील हरकत कर मेरे साथ अश्लील बातें करता है। बैंक मैनेजर की इन हरकतों को मैं अपनी बदनामी की वजह से पिछले एक वर्ष से पीड़ित थी। बैंक की छुट्टी होने के बाद भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता और पीछा कर मेरे पीछे चल पड़ता है। मैनेजर मेरे करियर को बर्बाद करने की धमकी देता है और मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। युवती ने बताया कि वह पिछले एक वर्ष से घुट घुट कर जी रही है। बैंक मैनेजर के साथ एक अन्य बैंक का कर्मचारी भी है, जिसके बड़े राजनीतिक नेताओं से ताल्लुकात हैं। वह भी इन हरकतों में शामिल रहता है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने कहा कि पूर्व में भी उसने हिम्मत कर पुलिस के समक्ष शिकायत पेश की थी, लेकिन बैंक मैनेजर को राजनीतिक संरक्षण मिलने पर पुलिस ने किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। पीड़िता ने बताया कि चारों तरफ से निराशा मिलने पर उसने ट्विटर पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बैंक में तैनात युवती असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। युवती ने 5 अप्रैल 2019 को दोपहर 12:35 पर ट्विटर पर पोस्ट किया था। ट्विटर पोस्ट में महिला बैंक कर्मी ने लिखा था, मैं HDFC बैंक धौलपुर में काम करती हूँ। मैं अपने शाखा प्रबंधक आशीष जैन द्वारा अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हूँ। बैंक मैनेजर मेरे करियर को बर्बाद करना चाहता है। युवती की ट्विटर पोस्ट कर देश भर में 2500 कमेंट मिले हैं एवं 1500 से अधिक ट्विटर किए गए हैं। युवती द्वारा की गई तहरीर पर महिला पुलिस थाने में बैंक मैनेजर आशीष जैन एवं उसके साथी श्रीराम के खिलाफ मामला पंजीवृत किया है। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, कानून संबद्ध अनुसंधान कर मामले में उचित कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 5 दिन परेशान होने के बाद में लास्ट में अपने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो भी दुष्कर्म करने की उसने मेरे साथ कोशिश की, उस सबको लेते हुए मैं आज थाने में FIR कराने के लिए आई हूँ। अब देखते हैं कि मेरे FIR पे कितना काम होता है, क्योंकि इस FIR पे को रोकने के लिए ऊपर से कई दबाव डाले जाएंगे, क्योंकि हमारे बैंक में कार्यरत कई कांग्रेस लेवल के नेता वहाँ बैंक में काम करते हैं, जो कि शायद इसको इस FIR पे आगे काम नहीं होने देंगे। बट यही कोशिश रहेगी मेरी कि शायद मुझे लास्ट में न्याय मिले और इस जो भी FIR में कराने आई हूँ, शायद इस पे जो भी अधिकारी हैं उस पे एक्शन लें। आपको बस परेशान कौन कर रहा है आप? मेरे को परेशान करने वाला मेरा खुद का ब्रांच मैनेजर आशीष जैन है। इसने एक साल से मेरे साथ शारीरिक मानसिक रूप से मुझे बहुत बड़े लेवल पे परेशान करके रखा हुआ है, जिसके लास्ट में अब यहाँ तक आके मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ मुझे क्लियर बोल दी कि अगर मैंने उसकी मनमानी नहीं मानी और अगर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वो मेरा कैरियर और मेरी बैंकिंग लाइफ टोटल बर्बाद कर देगा।